उसने कहा था कि सेटल होना है कि सिर्फ इंजॉय करने जाना है। मैंने कहा जाहिर सी बात है सेटल होना है। वो मुझे पाकिस्तान ट्रैवलर पास अगर बनना चाहता हूँ तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ कोरिया के बारे में, जो कि आप फ्री जा सकते हैं आसानी से। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको लैंग्वेज सीखनी है। आज से 2 साल पहले मेरे फादर्स का एक दोस्त था, उसने कहा था कि सेटल होना है कि सिर्फ इंजॉय करने जाना है। उन्होंने कहा जाहिर सी बात है सेटल होना है। वो मुझे एक बंदे के पास ले गया जो मौलवी था, ठीक है, वो कोरियन लैंग्वेज सिखाता था। उसने मुझे कहा था कि मैं 6 माह में आपको कोरियन लैंग्वेज सिखा दूंगा, तो उसके बाद आपको टेस्ट देना है। वो ये टेस्ट यही होता है कि आपको कोरियन लैंग्वेज आती है कि नहीं आती। वो कोई फेक चीज़ नहीं है, वो कोरिया से कंपनीज आती हैं, ठीक है, वो आपका टेस्ट लेती हैं। अगर आपको लैंग्वेज आती है वो आपको वीज़ा देती हैं, सिर्फ टिकट आपको खुद परचेज करनी पड़ती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप 2 साल का वर्क परमिट टर्की इधर से पाकिस्तान से कोरिया का कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको पैसा नहीं देना, सिर्फ आपको लैंग्वेज की फ़ीस देनी है और कुछ टेस्ट की थोड़ी सी फ़ीस होती है, ठीक है। बाद में कंपनी को आपने टेस्ट देना, उसके बाद आप आसानी कोरिया जा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सैलरी के हिसाब से बात करें तो सैलरी 2 से 2.5 लाख होती है, 1.25 लाख होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर आप उस कंपनी में काम करते रहते हैं, कहीं 2 साल के बाद कहीं और काम करना चाहते तो वो आपकी मर्जी है। कहीं आप वीज़ा को चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। और आप 2 साल उधर कंपनी में काम कर सकते हैं, आपको रहाइश दी जाती है, खाना आपका खुद का होता है, और 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इतनी सैलरी आप बआसानी कमा सकते हो। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सैलरी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपको कोई पैसा पे नहीं करना सिवाय आपको टेस्ट देने के, उसके बाद आपको लैंग्वेज सीखने के। उसके बाद जब आप टेस्ट में पास हो जाते हैं सिर्फ आपकी टिकट लगती है और बआसानी आप कोरिया जा सकते हैं। वैसे तो कोरिया का काफ़ी पैसे लेते हैं यार, 12-13 लाख, 14 लाख रुपये लेते हैं 2 साल का जो वीज़ा होता है। तो आप कोरिया में काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, कोरिया से काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान भेज सकते हैं, जो पाकिस्तान में जो आपके भाई हैं जो फादर हैं जो बिजनेस कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आप कोरिया से इंपोर्ट कर सकते हैं, मोबाइल्स वगैरह, टेक्नोलॉजी की चीज़ें वगैरह, बड़ा कुछ आप कोरिया से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो बजट करना चाहते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जिनके पास सब्र भी है, जिनके पास इंतज़ार भी है, जो इंतज़ार कर सकते हैं, लिहाजा वो टर्की के लिए अब मार्च में आई थिंक पेपर्स थे, अब आप क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो आप टेस्ट देना शुरू, क्लासेस लेना शुरू करें, उसके बाद आप टेस्ट दें, मेहनत करें, लैंग्वेज सीखें। वो लैंग्वेज का टेस्ट होता है, इनको हमारी ज़ुबान आती है कि नहीं आती। जब आपको ज़ुबान आ जाती है, 6 माह में इतनी आ जाती है कि वो बंदा कह रहा था कि मैं गारंटी देता हूँ कि 6 माह बाद आप लैंग्वेज बोलना शुरू कर दोगे प्रॉपर तरीके से, 6 माह बाद मतलब कंप्लीट, और 2-3 हफ्तों में आप बोलना शुरू कर दोगे, उस बंदे ने ये गारंटी दी थी। और उसकी फ़ीस मेरे ज़हन में नहीं है यार, आप खुद ढूंढ लेना अगर किसी ने जाना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है यार उसकी। आपको कोई चीज़ पे नहीं करनी होती, सिर्फ आपको वैसी की फ़ीस भी नहीं देनी होती, ठीक है, सिर्फ आपको टेस्ट फीस देनी होती है और जो आपको लैंग्वेज सिखाता है उसकी फ़ीस देनी होती है। उसके बाद जब आपका वीज़ा लग जाता है, वीज़ा आपको वो खुद देते हैं कंपनी वाले अपनी कंपनी से, ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ टिकट लगती है, 2 साल का वर्क परमिट आपको मिलता है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास बजट कम है, ठीक है, जिनके पास सब्र है, जो इंतज़ार कर सकते हैं, जो टेस्ट दे सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो ये मेरे भाइयों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाना। मिलते हैं न्यू कमा फ्रेश चैप्टर में, आप देख लीजिए ब्लॉग्स में, मेरा नाम है मुझे अल्लाह हाफिज़ फ्रेश।